अंतिम समय में मैंने तुम्हें जो कुछ कहा तथा दोष लगाया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ। प्राणनाथ मुझे क्षमा करना। जी माता, आप हत्या करना पाप है, ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। हाँ हाँ, यहाँ मुझे माता कौन पुकार रहा है? संकोच, तुम मेरे सामने आ सकते हो। माता जी, माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। आपकी खोज के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पहले तुम्हें कभी उनके साथ नहीं देखा? हाँ माता जी, आपका कहना सत्य है, प्रभु ने आपको यह निशानी भेजी है और कहा है यदि सीता को भरोसा न हो तो उन्हें इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना, तब उन्हें अवश्य ही भरोसा हो जाएगा। हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ खाके कहता हूँ, मैं शपथ खाके कहता हूँ, हे राम ने भेजा है मुझको, हे राम ने भेजा है मुझको, सेवा मैं उनकी रखता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे सीता के सुधी को आया हूँ, सीता के सुधी को आया हूँ, श्री राम जी ने भेजा है मुझे, श्री राम जी ने भेजा है मुझे, और उन्होंने ही मैं पठाया माते, आप जगत जननी होकर भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। मैं आपको ऐसे विश्वास दिलाऊं कि मैं श्री रामचंद्र जी का ही सेवक राम दूत मैं हूँ, हनुमाना राम दूत मैं कर रही हो तो प्रभु ने कहा था इंद्र पुत्र जयंती की कथा याद दिलाना, माता विश्वास कर लेंगी। आ हनुमान, तुम धन्य हो, यही मुद्रिका आज
इतने समय बाद दिखने को मिली, ठीक है, ऐसा जान पड़ता है जैसे स्वयं रघुकुल भूषण मेरे पास आए हो। बेटा तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल तो है? हाँ माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल से है, किंतु आपके वियोग में हर समय दुखी रहते हैं। माता जी आ रहा है, मैं शीघ्र ही तुम्हें छुड़ाने आऊंगा। बेटा मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ, फिर भी मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में जाकर अजर और अमर रहो। भूत प्रेत काल भय तुम्हारे नाम से ही दूर रहे। माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भूख बहुत लगी है। ये सुंदर सुंदर फल देख करके मन ललचा रहा है माते, बहुत भूख लगी है। बेटा मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बड़े बलवान और भयंकर हैं। माता जी आपके आशीर्वाद से मुझे इनका कोई भी भय नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। जाओ पुत्र, मेरी ओर से आज्ञा है।